बदलाव करने की चाहत सच्ची और सही दिशा में होगी तो तुम एक दिन वो कर जाओगे जो तुम्हें खुद नामुमकिन सा लगता है। असल जिंदगी में कुछ ऐसी प्रेरणात्मक कहानियां होती हैं जो हमारा जीवन बदल सकती हैं। यह कहानियां हमें यकीन दिलाती हैं कि हमारा हर कार्य प्रभु की मर्जी से पूर्ण होता है। बाइबल के नीति वचन में कहा गया है, मन में मनुष्य निज राहें रचता है किंतु प्रभु उसके चरणों को सुनिश्चित करता है। हम आज एक ऐसे ही व्यक्ति फादर जॉन क्रिसोस्टम, जो एफएसएमए धर्म संघ के सह संस्थापक थे, उनकी कहानी सुनने वाले जिन्होंने अपना विश्वास प्रभु में रखा। फादर जॉन क्रिसोस्टम का जन्म 1 अक्टूबर 1828 को फ्रांस के लियोन शहर में एक अमीर रेशम व्यापारी के यहाँ हुआ। उनके माता पिता ने बड़े प्रेम से उनका नाम फर्डिनेंट रखा। फर्डिनेंट के पिता श्रीमान पोटो धर्म के प्रति उदासीन थे, अतः उनके बच्चों लुई, ओलिम्फ और फर्डिनेंट को कोई भी प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा नहीं मिली। श्रीमान पोटो बहुत ही अमीर व कुलीन थे, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों लुई एवं फर्डिनेंट को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रबंध कर दिया। दोनों भाइयों ने रॉयल पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। नाजुक स्वास्थ्य के कारण फर्डिनेंट पढ़ाई में कमजोर रहे। फर्डिनेंट स्वभाव से बड़े ही सरल व नरम दिल के थे। बचपन से ही एक आंतरिक आवाज उन्हें गरीब एवं दलितों की तरफ खींच रही थी। घर परिवार में उनको सही मार्ग दिखाने वाला कोई भी नहीं था, अतः उन्होंने धर्म शिक्षा की पुस्तक को अपने मार्गदर्शन के लिए चुना। शायद प्रभु उनके व्यक्तित्व को अपने किसी खास कार्य के लिए निखारना चाहते थे। भजन संहिता 119 के पद 105 में कहा भी गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। किशोरावस्था फर्डिनेंट जैसे बालक के लिए भी उनके जीवन का सबसे कठिन समय रहा। उनका यह वक्त तनाव, उथल पुथल और समस्याओं से भरपूर था। सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण उन्हें विभिन्न अनुभवों से गुजरना पड़ा। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए मिलिट्री स्कूल गए, गरीबों एवं निराश्रितों के संपर्क में आए और इस उम्र की सबसे शक्तिशाली भावना प्रेम से भी वो अछूते नहीं रहे। अंत में यही प्रेम उन्नत होकर ईश्वर प्रेम में बदल गया। इसी समय उनके भाई लुई ने पारिवारिक एवं सांसारिक जीवन त्याग दिया, जिससे उनके घर का माहौल अशांत हो गया। लुई घर परिवार छोड़कर डोमिनिकन मठ में शामिल हो गए। फर्डिनेंड के पिता श्रीमान पोटो लुई के चले जाने से क्रोधित एवं आहत हो गए, अतः उन्होंने अपना सारा प्यार फर्डिनेंड पर निछावर करना शुरू कर दिया। फर्डिनेंड अपना पुत्र कर्तव्य निभाते हुए उनके साथ उनके रेशम व्यवसाय में जुट गए, परंतु घर के बदले माहौल और एकांकीपन ने उनका झुकाव आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर कर दिया। वे अपना सारा समय इन पुस्तकों को पढ़ने में फूवियर की माता मरियम के पवित्र स्थान पर माला विनती एवं मिस्सा बलिदान में भाग लेने में व्यतीत करने लगे। फर्डिनेंड ने इस प्रकार से खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर दिया। मत्ती 25 के पद 40 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वह तुमने मेरे लिए किया। इन्हीं पवित्र शब्दों का अनुसरण करते हुए फर्डिनेंड अपने मित्र कमील रैम्बो के साथ गरीबों तथा निराश्रितों की सेवा में लीन हो गए।
इन लोगों को एवं बच्चों को पढ़ाना लिखाना तथा धार्मिक शिक्षा देना उन्हें खुशी का आभास कराता था। बीमार और कुष्ठ रोगियों की सेवा में वे ना दिन देखते थे ना रात। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी संभाला, अपने इस दायित्व को भी कुशलता से निभाया। फर्डिनेंड का मन धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से दूर होता जा रहा था। वे एक तपस्वी की भांति जीवन जीते हुए लकड़ी के बने तख्तों या घास फूस की शैया पर सोने लगे। अंततः फूवियर की माता मरियम के प्रेरक प्रभाव से उन्होंने 15 अगस्त 1852 की रात को घर छोड़कर प्रभु यीशु के चरणों में एक फादर बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मार्सेल्स में स्थित कैपुचिन फ्रायरी में प्रशिक्षण लेते हुए फर्डिनेंड को अब सब लियोन के ब्रदर जॉन क्रिसोस्टम के नाम से जानने लगे। उनके पिता श्रीमान पोटो को उनका यह निर्णय पसंद नहीं आया और उन्होंने फर्डिनेंड से बोलचाल बंद कर दी। पिता को मनाने के लिए फर्डिनेंड ने पत्राचार द्वारा लंबा संघर्ष किया, परंतु उनके पिता को उनका कोई भी तर्क समझ नहीं आया। वक्त कहां किसी के लिए रुकता है? धार्मिक प्रशिक्षण, अत्यधिक परिश्रम, आंतरिक संघर्ष और साथ ही पिता को मनाने की कोशिश में कई वर्ष बीत गए। फर्डिनेंड, जिनका स्वास्थ्य पहले ही नाजुक था, अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इन सब शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियों का असर दिखने लगा। परंतु फर्डिनेंड, जो कि अब ब्रदर क्रिसोस्टम बन चुके थे, कि लगन एवं दृढ़ता के समक्ष पूरी सेहत ने भी घुटने टेक दिए। 1855 में वे विधिवत रूप से पवित्र शपथ ग्रहण कर डीकन बन गए। अब उनकी कैपुचिन फादर बनने की मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, परंतु वे खुश नहीं थे क्योंकि उनके पिता ने अब तक उन्हें माफ नहीं किया था। ब्रदर क्रिसोस्टम दिन रात प्रभु से अपने पिता के लिए प्रार्थना करते थे। अचानक ईश्वर ने अपनी कृपा बरसाई और एक ऐसा अवसर आया कि ब्रदर क्रिसोस्टम की अपने पिता से अंततः सुलह हो गई। कुछ हुआ यूं कि ब्रदर क्रिसोस्टम की बहन ओलिम्फ का विवाह उच्च वर्गीय परिवार में तय हो गया। उनके पिता मन मुताबिक शादी से बहुत प्रसन्न थे। उनकी यह खुशी देखकर ओलिम्फ ने उनसे एक वचन ले लिया और वो था ब्रदर क्रिसोस्टम से पुनः मिलन और पूर्ण समझौता। 1855 की गर्मियों की बात है। ब्रदर क्रिसोस्टम अपने एक साथी के साथ भिक्षा मांगने निकले। रास्ते में जब उन्होंने पीछे से आती घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनी तो वे किनारे हो गए, लेकिन गाड़ीवान ने तो बग्गी उनके बिल्कुल पास आकर रोक दी। ब्रदर क्रिसोस्टम ने हैरानी से जब गाड़ी की तरफ नजर घुमाई तो आश्चर्यचकित रह गए। यह तो उनके परिवार की घोड़ा गाड़ी थी। श्रीमान पोटो ने जब अपने पुत्र को धार्मिक लिबास में देखा तो उनकी आंखें छलक गईं और उन्होंने तुरंत गाड़ी से कूदकर अपने पुत्र को गले लगा लिया। ब्रदर क्रिसोस्टम ने भी अपने पिता के समक्ष घुटने टेककर उनसे आशीर्वाद मांगा। अंततः ईश्वर की दया से पिता पुत्र का मिलन हो गया। ब्रदर क्रिसोस्टम 1856 में पूर्ण रूप से कैपुचिन फादर बन गए। अब उनका हृदय खुशियों से तृप्त हो गया था। उनके मन में बार बार मरकुस 16 के पद 15 की वाणी गूंजती थी, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। उनकी बड़ी इच्छा थी कि दूर देशों में जाकर प्रचारक के रूप में कार्य करें,
परंतु उनके नाजुक स्वास्थ्य के कारण वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। पादर क्रिसोस्टम ने इस विषय में अपनी असमर्थता को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। जब पादर क्रिसोस्टम साक्रमेंटीन मठ में धार्मिक निर्देशक के पद पर कार्यरत थे, तब उनकी मुलाकात कैरोलीन रूरांज से हुई, जिन्होंने आगे जाकर एफएसएमए धर्म संस्था की स्थापना की। 1868 में जब पादर क्रिसोस्टम पेरिस में फ्रायरी के शीर्ष गुरु पद पर कार्यरत थे, तब फादर चार्ल्स फ्रिपेल से मिले। यह शायद एक अजीब संयोग ही था कि 1870 में फादर फ्रिपेल एंजे के बिशप बनाए गए और उसी वर्ष फादर क्रिसोस्टम को एंजे में कैपुचिन फ्रायरी का शीर्ष गुरु बनाकर भेजा गया। फादर क्रिसोस्टम का बिशप फ्रिपेल से मिलना और बिशप फ्रिपेल का कैरोलाइन रूरांज से मिलना सब प्रभु की इच्छा अनुसार था। कैरोलाइन रूरांज को अपने खराब सेहत के चलते सैक्रामेंटीन मठ छोड़ना पड़ गया। 38 वर्ष की उम्र में कैरोलाइन रूरांज को अपने आध्यात्मिक निर्देशक पादर क्रिसोस्टम से मिलने की तीव्र इच्छा हुई, तो वो 3 जनवरी 1871 को देश में चल रहे फ्रैंको प्रशियन युद्ध की परवाह किए बिना पादर क्रिसोस्टम से मिलने एंजे पहुंच गई। कैरोलाइन रूरांज ने अपने आध्यात्मिक गुरु पादर क्रिसोस्टम से अपने धार्मिक जीवन जीने की इच्छा जाहिर की। उसी क्षण पादर क्रिसोस्टम को जैसे पवित्र आत्मा ने संकेत दे दिया कि यह वही है जिसे प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए चुना है। पादर क्रिसोस्टम की इच्छा थी कि एक ऐसे धर्म संघ की नींव रखी जाए जिसमें प्रभु यीशु एवं माता मरियम को समान आदर एवं प्रेम मिले। फादर क्रिसोस्टम ने कैरोलाइन को सही वक्त का इंतजार करने को कहा, परंतु दोनों को ही यह ज्ञात नहीं था कि वो समय उनकी चौकट पर ही खड़ा था। जिस दिन कैरोलाइन लियोन लौटने वाली थी, उसी दिन मैडम डी जाजू के आग्रह पर वो उनके साथ बिशप फ्रिपेल से मिलने को तैयार हो गई। बातचीत के दौरान बिशप फ्रिपेल ने एक ऐसे व्यक्ति की इच्छा जाहिर की जो अपना जीवन युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की देखरेख करने में समर्पित कर सके, तो तुरंत ही मैडम डी जाजू ने कैरोलीन रूरांज को आगे कर दिया। कैरोलीन ने एकदम सकते में आते हुए कहा कि वो आज ही लियोन जा रही है, परंतु बिशप फ्रिपेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ना आज शाम को जाओगी ना कल, आप वापस आओगी और मुझसे मिलोगी। कैरोलाइन रूरांज ने जब ये सारी बातें पादर क्रिसोस्टम को बताई तो उन्होंने केवल यह कह दिया, बेटी सेंट मैरी ऑफ द एंजल्स का जन्म हो गया है। कैरोलाइन प्रभु की इच्छा के आगे नतमस्तक हो गई। उन्होंने बिशप फ्रिपेल द्वारा दी गई जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए यह विनती की कि यह संस्था असिसी के संत फ्रांसिस के तृतीय आदेश के रूप में क्रियाशील हो। कैरोलाइन रूरांज संस्था की संस्थापिका बना दी गई और मदर मैरी क्रिसोस्टम के नाम से जानी गई। इस संस्था का मार्गदर्शन करने का कार्य फादर क्रिसोस्टम को सौंप दिया गया और 2 अगस्त 1871 को फ्रांसिस्किन्स ऑफ सेंट मैरी ऑफ द एंजल्स की नींव रखी गई। शीघ्र ही अनाथों की संख्या बढ़ने लगी और इस संस्था से कई लोग जुड़ने लगे। 1873 में एक दानकर्ता की मदद से एवीए में एक मठ खरीद लिया गया और यहीं एफएसएमए
काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद धीरे धीरे फलने फूलने लगा। सन 1892 में FSMA की 7 फ्रेंच सिस्टर्स को भारत भेजने का श्रेय फादर क्रिसोस्टम को ही जाता है। यह परदेश में FSMA का पहला मिशन था और यही फादर क्रिसोस्टम का सबसे कठिन एवं सर्वोच्च कार्य था। परंतु अफसोस, फादर क्रिसोस्टम अपने इस मिशन की सफलता देखने के लिए नहीं रहे। साथ रहा तो उनका आशीर्वाद व पिता तुल्य प्यार। अनवरत जिम्मेदारियां निभाते निभाते व कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण फादर क्रिसोस्टम का स्वास्थ्य गिरने लगा था। अप्रैल 1895 को वे अत्यधिक बीमार हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपनी दुर्बल स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानते हुए स्वीकार कर लिया। मन में माता मरियम का अनुसरण करते हुए वे दोहराते रहे, मैं प्रभु का दास हूं, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। 25 अप्रैल को फादर क्रिसोस्टम को धर्म संस्कार व धर्म विधि के अनुसार लास्ट सैक्रामेंट दिए गए। मदर मैरी क्रिसोस्टम तथा अन्य सिस्टर्स बराबर उनके सिरहाने बैठी रहीं। 26 अप्रैल 1895 को फादर क्रिसोस्टम ने आखिरी बार अपनी FSMA की बेटियों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने प्रभु से मिलने अनंत यात्रा पर निकल गए। आइए हम पीछे देखें और प्रभु का धन्यवाद दें, आगे देखें और प्रभु पर विश्वास करें। अब हमने इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, कामयाबी के सफर पर आशीर्वाद मिले फादर क्रिसोस्टम का।